सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि गाइस आप सब बहुत ही मस्त होंगे। सो गाइस, जिस वीडियो को अभी आप है सो प्रीव्यू में देख लें, जो कि गाइस अभी के टाइम पे ये वाला रील्स इंस्टाग्राम पर बहुत ही ट्रेंडिंग में वायरल हो रहा है। अगर गाइस आप भी चाहते इस प्रकार के ट्रेंडिंग रील्स को एडिटिंग करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना, सिंपली गाइस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। मैं आपको गाइस इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि गाइस आप इस प्रकार के ट्रेंडिंग रील्स वीडियो को कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए करते गाइस हम वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस आपके फ़ोन में कैपकट एप्लीकेशन होना चाहिए, नहीं होगा तो गाइस आप कैपकट एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन वाला इंस्टॉल कर लेगा। आपको गाइस कैपकट एप्लीकेशन को क्रोम से डाउनलोड कर देना होगा, या तो गाइस अपने टेलीग्राम चैनल पर कैपकट एप्लीकेशन का लिंक दे दे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेगा। टेलीग्राम का गाइस लिंक आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस प्रकार से जब गाइस आप कैपकट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेगा, तो गाइस आपको एक वीपीएन को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कोई भी वीपीएन को सिंपली गाइस आपको ऐसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर देना होगा। यहाँ पे गाइस आपको वीपीएन सर्च करना है, और इस प्रकार से वीपीएन सर्च करने के बाद सिंपली गाइस आपको यहाँ से कोई भी एक वीपीएन को इंस्टॉल कर देना होगा, और इंस्टॉल कर गाइस आपको वीपीएन को कनेक्ट कर देना होगा। तो हम यहाँ पे गाइस एक वीपीएन को कनेक्ट कर दे रहे हैं, आप भी गाइस सबसे पहले वीपीएन को कनेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे गाइस हमारा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है। इसी प्रकार से आपको भी गाइस वीपीएन को कनेक्ट कर देना होगा, और जब वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा तो सिंपली गाइस आपको इसको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर देना होगा। कैपकट एप्लीकेशन ओपन करने को इस प्रकार से आ जाएगा, तो यहाँ से गाइस आपको एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ से गाइस आपको ऑल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक, फिर से गाइस आपको ऑल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार से गाइस आपका गैलरी ओपन होकर के आ जाएगा, तो जिस वीडियो को गाइस आपको बनाना होगा उस वीडियो को गाइस आप सेलेक्ट कर लिया। हम यहाँ से एक वीडियो को सेलेक्ट कर लिए। इसी प्रकार से सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। इस प्रकार से गाइस ये सो लोडिंग होगा, उस पर गाइस आप में से इस प्रकार से वीडियो आ जाएगा। तो यहाँ से गाइस इस वीडियो में जो भी है सो आपका बैकग्राउंड सॉन्ग रहेगा उसको म्यूट करना पड़ेगा। तो म्यूट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके म्यूट करके लास्ट में गाइस आपको आ जाना होगा कैपकट के लोगो पे क्लिक करके डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट कर देना होगा। देन गाइस फिर से आपको स्टार्टिंग वाला पॉइंट पर आ जाना होगा, इसमें गाइस आपको सॉन्ग को ऐड करना होगा। तो ऐड ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे गाइस आपको एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और यहाँ से गाइस आपको जिस वीडियो को प्रीव्यू में देख रहे थे उसको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, और इस प्रकार से गाइस आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऐड एडेबल ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार से गाइस इसमें नीचे सॉन्ग आ जाए, तो सिंपली गाइस जहाँ तक सॉन्ग रहेगा वहीं तक गाइस आपको वीडियो को रखना पड़ेगा। इस प्रकार से सॉन्ग के लास्ट पॉइंट पर आ जाएगा, और वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे स्पीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको गाइस आपको डिलीट कर दूंगा। नीचे डिलीट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, फिर से गाइस आपको स्टार्टिंग वाला पॉइंट पर आ जाना होगा। यहाँ पर गाइस आपको बैक करके नीचे इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और वीडियो इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, सिंपली गाइस इस प्रकार से ऐसा इफेक्ट ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ से गाइस आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको ऐसा डायमंड जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार से हो जाने को सिंपली गाइस आपको यहाँ पे ऐसा 3 सेकेंड तक आ जाना होगा, और वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे स्पीड वाला ऑप्शन पे क्लिक, फिर से गाइस आपको यहाँ से 6 सेकेंड पे आकर के ऐसे फिर से आपको स्पीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर से गाइस आपको 7 सेकेंड पे आकर के स्पीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसी प्रकार से गाइस आप कर लीजिएगा, सिंपली गाइस आपको सेकेंड नंबर वाले वीडियो क्लिप पे क्लिक कर देना होगा, जहाँ से गाइस आप 3 सेकेंड पे वीडियो क्लिप के कट लगाए थे, और वहाँ पे आ जाने को सिंपली गाइस आपको एनिमेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और यहाँ से गाइस है सो एनिमेशन ओपन होकर के आ जाएगा, तो यहाँ से आपको कोई भी एक एनिमेशन को ऐड करके सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इसी प्रकार से गाइस आप सभी वीडियो क्लिप में है सो आप अपने अकॉर्डिंग एनिमेशन को ऐड कर, जिस एनिमेशन को गाइस आपको ऐड करना होगा वो एनिमेशन को ऐड कर देने के गाइस आपको सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो इस प्रकार से गाइस ये हो जाएगा, सिंपली गाइस आपका वीडियो कंप्लीट बन जाएगा। आपको वीडियो को एक प्ले करके देखना है कि वीडियो किस प्रकार से बन चुका है। फुल वीडियो को देखने के बाद गाइस आपको वीडियो को सेव करना होगा, सिंपली गाइस आपको ऊपर एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और यहाँ से गाइस ये वीडियो सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा। तो गाइस आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस आप एक लाइक करके, हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो गाइस आज के टाइम मिलते फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में।